तो चलिए अब खबरें विस्तार से। नरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी बेरोजगार को रोजगार देने के लिए शुरू की गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। और इस योजना के तहत रजिस्टर्ड होने वाले परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें, योजना के तहत अब तक पूरे राज्य में 2,25,000 से ज्यादा परिवारों को जॉब कार्ड जारी कर दिए गए हैं। योजना को शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, आज आगरा रोड पर खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्धार से इसकी शुरुआत होगी और इस मौके पर गहलोत जॉब कार्ड धारक श्रमिकों से बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, गहलोत सरकार ने एक बड़ी सौगात बेरोजगारों को दी है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी लोगों के रूप अब फिर से रोजगार मिलेगा, इसके लिए उन्होंने एक योजना चलाई है। क्या कुछ बड़ी जानकारी इस योजना को लेकर योगेंद्र? रोजगार गारंटी शहरों में, अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा था। 100 दिन का श्रमिक श्रम करने के बाद उन्हें भुगतान मिलता था, एक बड़ी राहत मिलती थी और ऐसी ही अब स्थिति शहरी क्षेत्र में भी होने वाली है। राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा रोजाना, जहां 259 रुपए के हिसाब से इसमें भुगतान भी दिया जाएगा। और यानी एक साल में अगर 100 दिन का रोजगार मिलता है तो 25,900 रुपए उसके अकाउंट में जाएंगे कंटिन्यू। यानी एक शहरी बेरोजगार जो है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसका रोजगार लग गया वो दूसरी जगह, यानी जो बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार देने की एक पहल है, वो भी सश्रम, क्योंकि उसमें आपको 2 से 8 घंटे तक काम करना पड़ेगा। अलग अलग चीजें रखी गई है, क्राइटेरिया रखा गया है शहरी क्षेत्रों में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस जो योजना है, रोजगार गारंटी योजना है शहरी, उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी शुरुआत करेंगे। योगेंद्र, क्या कुछ कहा जा सकता है? इससे पहले भी अगर बात करें, रोजगार गारंटी योजना लाई गई थी और अब एक बार फिर से गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय यहां पर लिया है, जहां पर कई बेरोजगारों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं इसी के साथ ही इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी ई मित्र और नगरपालिका सेवा केंद्र पर जन आधार के जरिए है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और बेरोजगारों के लिए कितना अच्छा इस मौके को मान सकते हैं? योगेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अशोक गहलोत सरकार की बड़ी सौगात दी गई है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से लाभ मिलेगा। सीएम ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा और इसमें एक व्यक्ति को प्रतिदिन 259 रुपए मजदूरी के तौर पर दिए जाएंगे और 8 घंटे काम करना होगा। काम का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। योजना में 18 से 60 साल की एज ग्रुप के लोगों को काम दिया जाएगा। योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड किया जाएगा और एक परिवार के सदस्यों को अलग अलग पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन परिवारों के जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे ई मित्र या नगर पालिका सेवा केंद्र पर जन आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके क्रमांक के आधार पर जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।